हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक साइकोलॉजी के अंदर। ये हमारा सेकंड पार्ट है थिंकिंग का, और इसमें आज हम करने वाले हैं टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ थिंकिंग। अगर मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो एक बार जाके उसे जरूर चेक कर लीजिएगा, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन मिलेगी। देन आज का जो हमारा रहेगा टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ थिंकिंग, तो चलिए। From the above discussion, it is clear that thinking requires tools and symbol which aid in thinking process. These are explained as flow. Means thinking process में हम कुछ चीज या बात को समझने के लिए, किसी भी decision को समझने के लिए tool symbols की जरूरत होती है। तो first इसमें क्या दिया गया है, इसमें जो first दिया गया है percepts। इसमें first point है percepts as those stimuli and object present in the environment which stimulate the thinking and also have to find out some solutions to the problems. Means percepts क्या है? इसमें बोला गया है कि जो percepts है वो क्या है? एक stimuli है और एक environment है, जो environment में all time present रहता है, ठीक है? ये हमारी thinking को भी affect करता है और any problems को solve करने में भी help करता है। For example, a child is presented a puzzle problems with stone and the child tends to solve it by playing with stone. Here stone serves as a percepts. Means एक बच्चे को कोई टॉयज दिया गया है, वो टॉयज क्या है? वो टॉयज पजल है, यानी उस बच्चे को पजल दिया गया है, स्टोन से बनी एक पजल दी गई और उस बच्चे को उस पजल को सॉल्व करना है, ठीक है? उस बच्चे को क्या दिया गया है? पजल दिया गया है, ताकि वो बच्चा उस पजल को सॉल्व कर सके। वो उस पजल के साथ प्लेइंग करते हुए उस पजल को सॉल्व कर देता है। तो स्टोन क्या है? परसेप्ट्स है। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है या ऐसी स्टिमुली दी गई है और उसे सॉल्व करने की पजल दिया गया है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, सिमिलरली व्हेन अ नर्स फाइंड फेंटिंग ही स्टार्टेड चेकिंग द पल्स एंड ब्लड प्रेशर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एक्सेट्रा टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ ट्रबल ऑफ टू द हेल्थी पेशेंट। मींस एक और एग्जांपल जिसे दिया, जिसमें पेशेंट नर्स के सामने बेहोश हो जाता है। जो पेशेंट बेहोश हुआ, नर्स क्या करेगी? वो उस रीजन को जानने की कोशिश करती है, उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है। वो नर्स पूरी तरह से कोशिश करती है कि पेशेंट बेहोश किस तरह से हुआ और क्यों हुआ। वो नर्स उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करेगी और पल्स करेगी चेक, ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर्स एंड चेक करेगी, और ये क्या है, उस पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। सिम्टम्स ऑफ फेंटिंग, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर एक्ट एज अ परसेप्ट्स, दिस परसेप्ट्स एंड स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ थॉट एंड आल्सो हेल्प मी रीचिंग टू सम कंक्लूजंस। मींस इसमें बोला है वो नर्स उस पेशेंट के सिम्टम को देखती है, ठीक है, क्या करती है, जो नर्स है जो बेहोश हुआ है पेशेंट, क्यों हुआ है बेहोश, वो उसके बारे में पूरी उसकी रीजन जानने की कोशिश करती है। तो वो क्या क्या करती है, उसके सिम्टम्स देखती है, ठीक है, यानी कि वो नर्स उस पेशेंट के सिम्टम को देखती है और पल्स रेट चेक करती है और बीपी देखती है, ताकि उस पेशेंट की जो फेंटिंग का पता चल सके और नर्स का प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सके, ठीक है, जो नर्स है, ताकि उस पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स हुई है फेंटिंग होने की, उसका क्या है, रीजन जान सके और उसे सॉल्व कर सके, ताकि नर्स उस पेशेंट की हेल्प कर सके, उस प्रॉब्लम का भी कंक्लूजन निकाल सके, राइट? इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट, इसमें क्या बोला गया है, पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्सेप्ट, दीज आर दोज वर्ड और साइन एंड रिप्रेजेंट द विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल ग्रुप ऑफ कम्युनिटी। मीन्स ये एक ऐसे वर्ड एंड साइन होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं जो किसी भी ग्रुप या कम्युनिटी का करेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड ट्री एंड रिप्रेजेंट ऑल दोज प्लांट विच हैव रूट्स, लॉन्ग स्टेम एंड वेल स्प्रेड ब्रांच विद लीव्स। मीन्स इसमें क्या बोला गया है, ऐसा वर्ड जिसे जिसमें पूरे ग्रुप या फिर कम्युनिटी रिप्रेजेंट करता है, लाइक जितने भी ट्री होते हैं सभी प्लांट्स होते हैं और रूट्स हैं लॉन्ग स्टीम एंड फैली हुई होती है, ठीक है, ब्रांचेस एंड लीव से ये सभी ट्री में आ जाते हैं। जो ब्रांचेस हैं और लीव्स हैं ये सब किस में आ जाते हैं, ट्री में आते हैं, उसे हम ट्री बोल देते हैं। ये क्या हुआ है, ये सभी एक कम्युनिटी का ग्रुप हुआ जिसे एक ही नेम दिया गया और एक ही सिंबल दिया गया, वो क्या है, ट्री है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कंसेप्ट मेक थिंकिंग वेरी
इजी एंड कंफर्टेबल मींस कंसेप्ट क्या करता है, किसी भी चीज को समझने के लिए बहुत ज्यादा यानी कि इजी एंड कंफर्टेबल है, समझ में जो आ जाती है, ठीक है। विदाउट दिस एंड कंसेप्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल एनी इंसिडेंस ऑफ हैपनिंग मींस अगर कोई भी कंसेप्ट नहीं होगा किसी भी चीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकते और ना ही वो समझ सकते हैं, ठीक है। पता है एब्सेंस ऑफ कंसेप्ट विल मेक द थिंकिंग प्रोसेस फिल्ड विद द इसमें है वगनेसिस एंड ऑफ द कंफ्यूजन्स मींस इसमें बोला गया है अगर कंसेप्ट नहीं होगा, कोई चीज का मेथड और एम नहीं होगा और बताने का कोई तरीका ही नहीं होगा और कोई कंक्लूजन ही नहीं होगा तो बताना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जो बताना चाह रहे हैं वो भी यूजलेस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फॉर एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल इफ यू शो अ डॉग सिटिंग अंडर ट्री इफ यू हैव टू टेल इट इज समवन विदाउट यूजिंग द वर्ड ट्री एंड डॉग इट विल बी वेरी डिफिकल्ट दस कंसेप्ट एंड फैसिलिट द थिंकिंग मींस अगर आप किसी को कुछ बता रहे हैं लाइक एक डॉग देखा और वो डॉग जो कि ट्री के नीचे बैठा हुआ है, अब हमने उस डॉग को नेम और वर्ड दिया है, पर्टिकुलर क्या नेम और वर्ड दिया है, अगर ये वर्ड हम किसी भी डॉग को नेम और वर्ड नहीं देंगे तो हम ये चीजें किसी कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमने नेम दिया तभी हम किसी को बता सकते हैं कि हमने डॉग देखा जो कि एक ट्री के नीचे बैठा हुआ है, सामने वाला भी इस सिंबल को समझता है और जल्दी से समझ जाता है ये एक क्या है कंसेप्ट है। नेक्स्ट इसमें आता है इमेजेस। देर आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग टूल्स ऑफ थिंकिंग मीन्स ये भी सोचने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टूल्स है। वेन एवर एन इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू थिंक अबाउट सम प्रॉब्लम्स और सिचुएशन ही विल इमिडिएटली फाइंड द इमेज ऑफ दैट सिचुएशन इन हिज माइंड मीन्स जब कोई भी व्यक्ति किसी प्रॉब्लम या सिचुएशंस के बारे में सोचता है या सोचना चाहता है तो वो इमिडिएटली उस सिचुएशन की इमेज को अपने माइंड में ढूंढने लगता है। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, अगर वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं इमिडिएटली क्या होता है उसके माइंड में कुछ ना कुछ आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं, कुछ इमेजेस बनना शुरू हो जाते हैं कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, उस सिचुएशन को कैसे बाहर निकाला जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इवन दो सिचुएशन एंड प्लेस Which an individual has never an observed are the transform into an arbitrary and images means यहाँ तक कि ये भी situation and place जो जिनका किसी भी person ने अभी तक जो है पालन नहीं किया है, मन में अपने आप images change होना शुरू हो जाती है, right? Next ऐसे these images are so powerful in thinking that in the absence of situation, images of those situations develop and helps in thinking means ये इमेजेस सोचने में इतने पावरफुल होती है कि सोचने में भी हेल्प करती है, ठीक है, ये क्या करती है हेल्प भी करती है। नेक्स्ट इसके बाद आता है समटाइम इमेज आर सो क्लियर एंड पावरफुल दैट एक्ट एज ए रियलिटी और परसेप्ट मींस इसमें क्या बोला गया है कभी कभी इमेजेस इतनी क्लियरली एंड पावरफुल होती है कि रियलिटी में परसेप्ट के रूप में भी काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है इमेजेस आर नॉट ओनली लिमिट टू विजुअल इमेजेस बट दे कैन बी ऑडिटरी एंड ऑल्फैक्टरी एंड नेक्स्ट आता है गेस्चुरल एंड कंटिन्यूअस इन नेचर्स मींस इसमें बोला गया है इमेजेस ओनली विजुअल इमेजेस तक ही लिमिट होती है, ठीक है, बल्कि ये नेचर में ऑडिटरी ऑल्फैक्टरी गेस्चुरल एंड कंटिन्यूअस के बारे में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी सॉन्ग या स्मेल के बारे में सोचना, ठीक है, तो उसकी इमेजेस को एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है साइन सिंबल एंड साइन हेल्प इन प्रोग्रेस ऑफ थिंकिंग देयर आर वेरियस सिंबल व्हिच रिप्रेजेंट सम काइंड्स ऑफ एक्शन फॉर एग्जांपल स्कूल बेल ग्रीन लाइट इन क्रॉसिंग ग्रीन फ्लैग फॉर टेस एंड दे सिंबल नॉट ओनली सेटमेंट थिंकिंग प्रोसेस बट ऑल्सो टेल वट टू डू सिमिलरली साइन इन मैथमेटिकल एंड लाइक plus minus and multiply tells how to work on mathematical problems the symbol and sign play an important role in thinking for various activity in our daily life means isme bola gaya symbol and sign thinking ki progress mein help karta hai different symbol hai jo kisi bhi type ki activity ka action hota hai for example jaise bataya inhone school bell theek hai aur kya isme green light in crossing green light jo hai wo ke train ke liye and green flag ye क्या होते हैं सिंबल जो है ये केवल सोचने की प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं बल्कि ये बताते हैं कि क्या
क्या करना है, जैसे सिमिलरली साइन जो मैथ में प्लस माइनस मल्टीप्लाई एग्जैक्ट रहा, ये सिंपल मैथ के सम को क्या करता है, सॉल्व करने का एक तरीका है। इस टाइप के सिंबल एंड साइन हमारे डेली लाइफ में डिफरेंट एक्टिविटी के बारे में सोचने में एक क्या करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा ऑप्टेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिंबल। साइन एंड सिंबल हेल्प इन प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। देर आर बेसिस सिंबल विच रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ एक्शन, फॉर एग्जाम्पल स्कूल बेल, ग्रीन लाइट इन क्रॉसिंग, ग्रीन फ्लैग फॉर ट्रेन्स। दे सिंबल नॉट ओनली स्टिमुलेट थिंकिंग प्रोसेस बट ऑल्सो दैट। इसके बाद आता है सिंबल एंड साइन। सिंबल एंड साइन हेल्प इन प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। देर आर बेसिस सिंबल विच रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ एक्शन, फॉर एग्जाम्पल स्कूल बेल, ग्रीन लाइट इन क्रॉसिंग, ग्रीन फ्लैग फॉर ट्रेन्स। दे सिंबल नॉट ओनली स्टिमुलेट थिंकिंग प्रोसेस बट ऑल्सो टेल वट टू डू। सिमिलरली सिंगल एंड सिमिलरली, मेरे सारे गलत हो गया, मेरे को दिमाग ही नहीं काम कर रहा मेरा। नेक्स्ट आता है सिंबल एंड साइन। सिंबल एंड साइन हेल्प इन प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। देर आर बेसिस सिंबल एंड रिप्रेजेंट सम काइंड्स ऑफ एक्शंस, फॉर एग्जाम्पल स्कूल बेल, ग्रीन लाइट इन क्रॉसिंग, ग्रीन फ्लैग फॉर ट्रेन्स। दे सिंबल नॉट ओनली स्टिमुलेट थिंकिंग प्रोसेस बट ऑल्सो टेल वट टू डू। सिमिलरली साइन इन मैथमेटिक्स लाइक। इसके बाद आता है फॉर्मूला। विर्सेस फॉर्मूला यूज इन साइंस, मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑल्सो फैसिलिट एंड थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल फॉर वाटर इन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर इज डिस्क्राइब एज H2O, विच टेल्स दैट वाटर इज मेड अप विद टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि इसमें क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला में बोला है कि साइंस मैथ और अदर सब्जेक्ट में यूज होने वाले डिफरेंट फॉर्मूला भी डिफरेंट प्रॉब्लम को समझने और हल करने में जो है थिंकिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर के लिए वाटर की रासायनिक संरचना जैसे H2O के रूप में वर्णित किया गया है, जो ये बताता है कि वाटर हाइड्रोजन के टू पार्ट्स और ऑक्सीजन के वन पार्ट से बना है। ठीक है, इसकी जो एवरेज और इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, इसमें एक्स एन का जो भी इसमें फॉर्मूला वो यूज किया जाता है। जब भी सभी जितने भी टोटल नंबर है और जिसमें ऑल आइटम्स है, ठीक है, और टोटल जो इसमें नंबर है उससे डिवाइड किया जाता है, जो उसका आंसर है वो आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट, लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल्स ऑफ थिंकिंग। इट्स सम साइकोलॉजिस्ट डिफाइन एंड थिंकिंग एज अ वोकल स्पीच देन स्पीच नीड्स अ लैंग्वेज। विदाउट द लैंग्वेज दिस इंटरनल स्पीच कैन नॉट टेक प्लेस। ड्यूरिंग थिंकिंग ऑन सम प्रॉब्लम्स वी कैन ऑब्जर्व सम पीपल्स हु टॉक वोकली व्हाइल थिंकिंग एंड इन दैट लैंग्वेज हेल्प टू अंडरस्टैंड। मीन्स इसमें बोला गया है कि कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि सब वोकल स्पीच है, हर स्पीच को लैंग्वेज की नीड्स होती है, किसी भी वोकल स्पीच बोलने के लिए लैंग्वेज की जरूरत होती है। थिंकिंग हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। लैंग्वेज के थ्रू से हम एक दूसरे की प्रॉब्लम को बोलते और समझते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम आईज को विंकिंग करते हैं, ये भी एक लैंग्वेज होती है। स्माइल करते हैं, वो भी क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक है, ये भी एक तरह की लैंग्वेज मानी जाती है। ठीक है, हमारे सामने जो भी इंसान है उस चीज को क्या समझ जाते हैं। ठीक है, सामने वाला देखता और समझता है और हमारे रिएक्शन क्या है और हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या है, जैसे हमारे सब लैंग्वेज है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, शोइंग थंब दिखाना, ये सभी चीजें टूल्स इंस्ट्रूमेंट थिंकिंग प्रोसेस में होता है। यानी कि क्या क्या चीजें इसमें वर्क करती है, राइट, जैसे इसमें विंकिंग, स्माइल, शोइंग थंब एंड जर्किंग शोल्डर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और यही थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।